नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। तमिलनाडु के विरुधानगर में चुनावी रैली में खाली कुर्सिया की फोटो लेने से भड़के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों पर हमला बोल दिया। इस घटना में कई पत्रकार बुरी तरह घायल हुए हैं। पत्रकारों की पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस के खिलाफ लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के बारे में जानकारी देने के लिए यहां जनसभा बुलाई थी। इस दौरान खुद प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के सलाहगिरी भी वहां मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक सभा में काफी कम लोग पहुंचे थे और ज्यादातर कुर्सियां खाली थीं। ऐसे में कुछ फोटो पत्रकारों ने खाली कुर्सियों की तस्वीरें लेनी शुरू की। इससे कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने इन पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि कुछ मीडिया कर्मियों ने जब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उन्हें भी पीटा। बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप कर मीडिया कर्मियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। कुछ घायल मीडिया कर्मियों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर चेन्नई प्रेस क्लब ने आरोपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की है।